इंद्री हलके में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं, वहीं पर सड़कों पर 2 से 3 फुट तक का पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंद्री हलके के गांव धुमसीगढ़ी जटान, गाड़ी सधान, पंजोर खैरा, रामपुरा भूटान, खेड़ी आदि गांव के खेतों में पानी 3 फुट से लेकर 4 फुट तक खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें पूर्णतः डूब चुकी हैं। किसानों को डर है कि यदि बरसात इसी प्रकार से चलती रही तो उनकी फसलें पूर्णतः बर्बाद हो जाएंगी। अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। किसानों का आरोप है कि जो नई सड़कें बनाई गई हैं उनके नीचे पाइप नहीं गई, जिस वजह से निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, जिस कारण उनके खेतों में कई कई फुट पानी जमा हो गया है। वहीं पर खेतों के नलकूपों में पानी जाने से भी बर्बादी के कागार पर पहुंच गए हैं। किसानों ने मांग की है कि जल्द ही उनकी फसलों का निरीक्षण किया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। साथ चल रही थी पीछे से जो ये मार्केट कमेटी का काम करना था, बम्बे दाबने थे, दाबे नहीं जी, पानी की निकासी नहीं हो रही जी पूरी। पीछे तक जो किसान है जी बहुत बुरा हाल हो गया जी, अगर लाडवे तक पानी भर रहे जी बहुत ज़्यादा है, सड़क पर पानी चल रही देखो घोड़ा घोड़ा, इसकी वजह से किसानों का ज़्यादा नुकसान हो जाएगा जी, ये सरकार की नाकामी की वजह से बुरा हाल हो गया जी ज़्यादा। तो बोर बार बैठ रहे हैं, बोर सारे बोर बैठ देंगे जितने भी हैं जी, सारे बोरों में पानी चल रहा है जी, लगभग 100-200 बोर है जी हमारे गांव के दूर तक, 200 बोर सब बैठ गए जी, सब में पानी चल रहा है जी, कैसे रोक के जिम्मेदार जी, यहाँ तक पानी हो रहा है जी खेतों में। तो सब्जी की फसल हो अभी नुकसान है? सब्जी तो खत्म ही है जी, जीरी खत्म है जी, सब्जी कहाँ बचेगी, जीरी का बुरा हाल हो गया जी। तो क्या जी लाई जीरी, जो पुरानी लाई जीरी सब गई जी सबकी। तो क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से मांगे जी प्रशासन मुआवजा दे, चेक देख के सब किसानों को मुआवजा दे, किसानों को समस्या समाधान करे। ऐसे पानी की निकासी कोई प्रबंध नहीं है, जो सड़क नहीं बनाई गई इसमें कोई भी नाला कहीं पर नहीं लगाया गया। हमने प्रशासन को कई बार बोल लिया भी था अभी यहाँ बम्बा लगाया जाए, पानी की निकासी की जाए, यहाँ सारे छोटे जिम्मेदार हैं, पानी की निकासी कोई नहीं है, जिससे हमारी फसलें बर्बाद हो गई। किसी ने अब तक हमारी आज तक कोई सूद नहीं ली, अब तक बरसात हो रही है, किस तरह की पानी की निकासी का प्रबंध किया जाए। हमारी प्रशासन से ही पुरजोर अपील है भी जल्द से जल्द हमारे पानी की निकासी की जाए और हमारी फसलों को बचाया जाए। में हमारे गांव के आसपास के 500 एकड़ जमीन जो डूबी पड़ी है, कौन सी जिसमें जीरी है, घास वगैरह है, पशु वगैरह अभी परेशान है सब।